हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं माय लीगल अड्डा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 1 के बारे में प्रीलिमिनरी डिस्कस किया। उसके बाद हमने और बाकी सेक्शंस देखे, 2, 3, 4 एंड 5 तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज जो सेक्शंस हैं भारतीय संविधान में, वो पढ़ेंगे हम सेक्शन 6, 7, 8 एंड 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सेक्शन 6, 7। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। प्रपोज एक्सेप्टेंस कंसिडरेशंस, इन सब चीज़ों को देखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो संविदा करने के लिए क्या शर्तें होती हैं। उसके अलावा सेक्शन 6 में प्रपोजल यानी प्रस्ताव जब भेजा जाता है, उससे पहले क्या प्रस्ताव वापस किया जा सकता है या नहीं, उसके लिए रेवोकेशंस हाउ मेड यानी किस तरीके से हम प्रस्ताव वापस ले लेंगे, ये सेक्शन 6 में हमें बताया गया है। तो सेक्शन 6 में देखेंगे सबसे पहला क्राइटेरिया जो है आपका इसको वापस लेने का, वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बाई कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस फॉर रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। नोटिस भेजेंगे रेवोकेशन के लिए यानी वापसी के लिए टू द अदर पार्टी। सेकंड, बाय द लैप्स ऑफ टाइम, बाय द लैप्स ऑफ टाइम यानी जो तय वक्त होता है, अगर वो लैप्स हो जाता है फॉर इट्स एक्सेप्टेंस इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। दो बातें हैं इसमें निकल के आ रही हैं। पहला तो ये है कि अगर जो संविदा करने का करार करने का जो समय था अगर वो ख़त्म हो जाता है, बीत जाता है, तो अपने आप वो जो प्रस्ताव है रेवोकेशन मतलब प्रपोजल यानी जो मैंने प्रस्ताव भेजा था वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। सेकंड, इफ डज नॉट कंसिडर्ड प्रिस्क्राइब टाइम देन दिस कंडीशन में भी क्या होगा, प्रपोजल जो है हमारा रिवोक हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा नंबर है, बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रीसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। तीसरा, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का या प्रपोजल में जो क्राइटेरिया है उसके कंडीशंस को अगर हम फुलफिल नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि प्रपोजल रिवोक हो गया यानी वापस हो गया, यानी जो कंडीशन थी हमारे प्रस्ताव की उस शर्तों को अनुपालन नहीं हो रहा, उन शर्तों को पूरा नहीं किया जा रहा, उस शरायत को पूरा नहीं किया जा रहा, इस कंडीशन में क्या होगा, रिवोक होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बाय द डेथ ऑफ इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर, अगर जो प्रपोजर करता यानी प्रस्ताव करता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, इस कंडीशंस में हम ये देखेंगे कि प्रस्ताव जो है रिवोक हो जाएगा, वापस हो जाएगा। सेक्शन 7 में आएंगे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑब्सोल्यूट यानी किसी संविदा को करने के लिए जब हम प्रस्ताव भेजते हैं और प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो उसका जो एक्सेप्टेंस है वो मस्ट बी ऑब्सोल्यूट होना चाहिए यानी संपूर्ण होना चाहिए, अपने आप में पूर्ण रूप से स्वीकृति होनी चाहिए उसकी, जो बताता है सेक्शन 7 भारतीय संविधान की। सेक्शन 7 उसमें नंबर 1 है, बी ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड यानी पूर्ण रूप से समर्थन हो जो शर्तें जो प्रस्ताव की प्रक्रिया है जो प्रस्ताव का परफॉर्मा है, हर चीजों से आप पूर्ण रूप से समर्थित हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप शब्दों की शब्दावली में ना फंसे, भी अब्सोल्यूट होने चाहिए यानी संपूर्ण रूप से आपने उसको स्वीकृत कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, मेरे कहने का ये मतलब था, यानी आपकी स्वीकृति होनी चाहिए उसमें। सेकेंड है, बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर unless proposal prescribed the manner in which it is be accepted। आपका जो proposal है usual and reasonable manner में होना चाहिए और एक prescribed manner जो performer होता है किसी भी proposal को भेजने के लिए वो ज़रूर होना चाहिए इसके पूर्ति के लिए, acceptance के लिए।
तो हमने 6 में देखा कि रेवोकेशन किस तरीके से होगा, किसी भी प्रस्ताव का रेवोकेशन किस तरीके से हो सकता है। सेक्शन 7 में हमने देखा एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट किस तरीके से होगा। तब आगे बढ़ते हैं, 8 और 9 देखेंगे और चैप्टर 1 को आज फुल क्लोज करेंगे। क्या कंडीशन परफॉर्म हो रहा है और क्या प्रतिफल की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, सेक्शन 8 में इस बारे में डिस्कशन करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ ए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर द रिसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद ए प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। यहाँ पर बात की आ गई कि प्रपोजल में एक्सेप्टेंस के लिए क्या कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड है या नहीं है। विदाउट कंसिडरेशन देर इज नो काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस के साथ साथ दोनों तरफ के प्रतिफल की भी बात हो रही है। एक शब्द आया है रिसिप्रोकल प्रोमिसेस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, यानी दोनों तरफ से क्या प्रस्ताव हुई है, वचनदाता वचनकर्ता ने एक दूसरे को क्या शर्तें दी हैं एक्सेप्टेंस के लिए, परफॉर्मेंस क्या है ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल के लिए, इस बारे में सेक्शन 8 हमें ये बता रहा है। सेक्शन 9 में आएंगे, प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, वचन एक्सप्रेस करना अपने बारे अपने विचारों को करना एक्सप्रेस, और इम्प्लाइड यानी उस पर इम्प्लीमेंट करना लागू कराना। इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। बातों बातों ही में हम देखेंगे कि प्रपोजल की स्वीकृति और उसका वचन शब्दों में होना चाहिए। द प्रॉमिस इज सेड टू एक्सप्रेस इन सो फार एज प्रपोजल फॉर एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन वर्ड्स, यानी जो हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं प्रपोजल के लिए उस प्रॉमिस को एक्सप्रेस इन वर्ड्स करेंगे, शब्दों में करेंगे, तो ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा और उसको लागू करना कहा जाएगा। द प्रॉमिस इज सेड टू इम्प्लाई। तो आपने आज चैप्टर 1 के बारे में फुल डिस्कशंस किया और फुल लेक्चर सुना। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मेरा एक संदेश है उन लोगों के लिए जो पढ़ने और पढ़ाने का कार्य करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने की कोशिश करें, खुद को शिक्षित करें, क्योंकि अगर समाज शिक्षित होगा तभी एक सुदृढ़ देश की कल्पना की जा सकती है। तो हम अपना जो वक्त है, अपना जो समय है, वो व्यर्थ न गवाकर अपने लिए कुछ सही दिशा में सही रूप से प्रयत्न करें, ताकि हम अपने देश के लिए अपने लिए कुछ कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे चैप्टर 2 के साथ। और भारतीय संविधान अधिनियम में भी हम करते रहेंगे लगातार, उसके बाद हम फिर देखेंगे टॉपिक वाइज किस विषय पे जाना है। CRPC भी देख सकते हैं, CPC देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे। इसी दिशा में चलते रहेंगे अगले लेक्चर के लिए। कल विजिट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।